सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इज जर्नी विद देव। और बहुत टाइम के बाद मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। लाइक लिटरली मैं घर पे था और वैसे बहुत सारे प्लान्स थे मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाने के, बट कोरोना का कुछ इस तरह से लहर छूटा है कि आज मैं मतलब मैं काफ़ी टाइम से घर से निकल ही नहीं पाऊँ बाहर। एंड सो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ। और हाँ, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरा ये जगह गाँव है, सो उसके वजह से दो दिन लोग ऑफेंड हो गए थे क्योंकि सरकार ने इसे गांव नहीं टाउन घोषित कर दिया है। सो नहीं, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, ये मेरा गांव नहीं टाउन है। बट मैं उस सेंस में नहीं बोला था, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब गांव मतलब क्यूट लगता है सुनने में, राइट? क्यूट है बहुत एंड मतलब उतने पोल्यूशन नहीं है, उतना पॉपुलेशन भी नहीं है। सो एंड हाँ, आज मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड जो ये टाउन का दर्शन होगा आप सबको। एंड और एक बहुत ही मेरा एक फेवरेट प्लेस में मैं जाने वाला हूँ आज। सो चलते हैं, पहले आप उस दोस्त से मिल लीजिए मेरा। सो हे इज कम। और सनी भाई, हाल चाल? की हाल चाल? जरा मास्क हटाइए अब अपना। ओके, सो कोरोना इस बहुत गंदा तरीके से फैल रहा है और मास्क नहीं हटाएंगे। एंड जरा भाई, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा टाउन। गांव में नहीं बोलने वाला फिर से, क्योंकि गांव बोला था मैंने तो गांड लग गई थी मेरी। दो तीन लोग ऑफेंड हो गए, कमेंट भी आ गया मुझे कि ये गांव नहीं टाउन हो चुका है। सो हाँ, ये गांव नहीं है, टाउन है ये। फाइनली वी अराइव्ड। इसी जगह का मैं बात कर रहा था आप सबसे कि मतलब मुझे बहुत प्यार है यार इस जगह से। मैं लिटरली मैं घर बनाना चाहता हूँ। और अगर क्या व्यू आता है मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। सही एकदम क्लास व्यू है यहाँ से, तो जस्ट वॉच ये सनसेट आप देख पा रहे हो। मतलब ये थोड़ा सा मतलब ऊँची जगह पर है, थोड़ा ऊपर है ये प्लेस। सो ऊपर से एकदम मतलब क्या सही, और इतनी हरियाली, मतलब इतने पेड़ पौधे जंगल। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा था, मुझे ये घर चाहिए था, बाद में पता चला ये साला सरकार का कुछ है। मैं सोचता था यहाँ से बालकनी में बैठ के ये सब व्यू देखने में क्या एक सही सुकून आएगा। वाह, एक्चुअली यहाँ पर पार्क है ये ऊपर, मैं वहाँ भी जाऊँगा। बट वहाँ पर मोस्टली कपल्स दिखते हैं और मेरे फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा कुछ है नहीं। सो ये देखिए, सनसेट होने में अभी कुछ टाइम है, जब सनसेट होता है ओ हो।
नाउ वी आर लीविंग द प्लेस, अभी कहीं और जाऊंगा। अभी जो आपने देखा वो हम एक्सीडेंट से बच गए, मतलब कान पटी लाखों पाए बहुत बच के लड़का घर को जाए माँ का सब। अब जो ठुकते ना हम, मतलब हमारा एक्सीडेंट लाइव होता है एकदम, सही बात है, बट हाँ बच गए। ड्राइवर अच्छा था, हाँ पास वाला सामने वाला ड्राइवर अच्छा था, पर हाँ नहीं ये भी थोड़ा अच्छा ही ठीक ठाक ही चला लेता है। एंड सनसेट हो चुका है। ट्रैफिक मेंटेन करता हूँ यार, बिल्कुल खाली रोड पे जो ट्रैफिक मेंटेन कर रहा है हमारा बंदा, मतलब मैं क्या बताऊँ एक बाइक आया था, कौन ट्रैफिक, एक बाइक आया था ठुकते ठुकते बचे, हट साला अभी मर जाते थे सब। फिर वापस घूम फिर कर एक ही जगह पर आ गए जो कि है ये पार्क, बिकॉज अब कहीं भी चले जाओ रामकृष्ण नगर पे घूम फिर आपको यहीं आना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत शांति है यार, कोई उतने लोग नहीं है कुछ नहीं, एंड ये जगह आप कैसे मिस कर सकते हो। तो मैं वापस से इधर ही, हाँ हम लोग गए थे थोड़ा दूर, हम लोग फजली लेकर आए, यू कैन सी दिस फजली, इट्स नॉट अ ब्रांड प्रमोशन अगेन, आ देखिए इधर खाइए फैसला भी खरीदते हैं, तो ये जो बंगाली वो समझ पाएंगे ये जोक है। सो आप लोग भी अगर आप लोग फजली खा रहे हो तो ऑल दोज बंगाली पीपल्स देखियो भाई फैसला भी खोरी ना किन्तु देखा यार। सो या जो 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 हिंदी समझते हैं उनको लगा होगा कि आप बकचोदी है, बट हाँ जो समझ गए वो लोग समझ गए, अगर आप लोग समझ गए हो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि हाँ मैं आपको पता है कि मैंने अभी क्या बोला है। ले सो भाई एक बार बताओ लाइफ में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? जूस पीना नहीं, जर्नी देव को सब्सक्राइब करना, तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो जूस पीना तो जरूर सब्सक्राइब करना यार, मतलब सपोर्ट दिखाओ, जूस पियो। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है यार, और जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है ना, मतलब मेरा तो मैं हो चुका हूँ बर्बाद लिटरली यार, कितने प्लान्स थे मेरे कि मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, मैं वीडियो में बोल भी रहा था कि बहुत लाइक सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप प्लीज़ सब्सक्राइब, बट हाँ फिर भी फ्यू मेनी थिंग्स आर कमिंग अप नाउ, सो अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, और मैं थोड़ा सा सपोर्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रैवल ब्लॉग्स है ना, तो मैं अभी बिना ट्रैवल करके क्या ब्लॉग शूट करूँ, अभी मैं डेली ब्लॉग तो नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट फ्लाइंग बीस्ट, पैसे नहीं है मेरे पास उतना, अमीरी मैं नहीं दिखा सकता वीडियो पे, सो सब्सक्राइब जरूर करना। तुमने सब्सक्राइब किया है? जरूर, मेरे गर्लफ्रेंड ने भी किया है। वाह, सो आप भी सब्सक्राइब करो और आपके गर्लफ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करवाओ, नहीं ऐसा ये जरूरी नहीं है बट सब्सक्राइब जरूर करना यार। ओके सो ये जगह आज का तो हो गया अब बस ये सोचूंगा कि दूसरा ब्लॉग भी क्या शूट करूँ, यही है मेरा जिंदगी। फिर से आऊँगा, हाँ यहाँ तो आना, हमारा तो यहाँ आना मतलब रेगुलर हो चुका है, मतलब ये जगह आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि क्या है ऐसा, मतलब ऐसा क्या है इस जगह पे जो इतना एग्जैजरेट कर रहे हो, बट मैं सही कह रहा हूँ, एक बार आओ दिन पे ये एकदम सही जगह है, मतलब इतने हवा आता है ना यहाँ पे, इतना ठंड महसूस होती है मैं क्या बताऊँ आपको। सो हाँ और लॉन्ग टी शर्ट पहन के आए हाँ नहीं उतना भी ठंडा नहीं है, ये तो जस्ट वीडियो के लिए थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हो भाई का, ऊपर से भाई का नया टी शर्ट आज ही आया है मिंत्रा से, और वीडियो के लिए एकदम मस्त, सो प्लीज सब्सक्राइब गाइस, नंगा हो गया नहीं सो प्लीज सब्सक्राइब गाइस, मैं बार बार यही बोलूंगा, मैं बार बार यही भीख मांगूंगा, देखो सर आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं जा रहा, पर मेरा हौसला बढ़ेगा, और ऐसा भी मैं समझना कि आप सब्सक्राइब कर दूँ तो पैसा वैसे घंटा मैं जिस तरीके का वीडियो बना रहा हूँ कुछ खास पैसे वैसे मिलेंगे भी नहीं मुझे कभी भी, सो बस हाँ हौसला बन जाता है मेरा, एंड और क्या ही बताऊँ मैं, और ज़्यादा वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। हाँ स्कूटी को भी थोड़ा नहलाना धहलाना पड़ेगा अभी, स्कूटी का हालत और ये जूस पीता हुआ एंड कर दे, अब एंड कर दे, अब कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है मुझे पता है, अब लोग बोर भी हो चुके होंगे, और हाँ स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे ना तो मेरे वॉच टाइम नहीं आ रहा यार, 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 आवर्स, तो यार देखो क्या ही रह गया जिंदगी में, देखो आ ही तो चुका है कोरोना, अभी पता नहीं कौन कितने दिन का मेहमान है, एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। एंड और बीच में जो मैंने रोहित सरदाना के बारे में जो कहा वो बिल्कुल जोक नहीं था, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, बिल्कुल जोक नहीं कर रहा था मैं, मुझे अचानक से ये न्यूज़ मिला और मैं लिटरली मैं बहुत शॉक था, क्योंकि उनका मैं बहुत सारे शोज़ देखता हूँ मैं,
एंड उनका डेथ इज लाइक रियली वेरी शॉकिंग बिकॉज वो जिस पोजीशन पे अगर कोरोना उन्हें अटैक कर सकता है तो हम तो फिर भी कुछ नहीं है. सो प्लीज़ पुट ऑन द मास्क. और मैंने मास्क नहीं लगाया है बिकॉज आप देख रहे हो ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे सोशली सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग उतना ही है. सब वीडियो मत करना कि तूने मास्क नहीं लगाया भाई. मैं लगाता हूँ मास्क, देखिए दो दो मास्क ऐसे लटक रहे हैं. जब जरूरत होता है तब हम मास्क लगाते हैं ऊपर ये हाँ. तो जब जरूरत होता है हम मास्क लगाते हैं. सो आप लोग भी प्लीज़ मास्क लगा के रखना, सैनिटाइज करना और थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि मैं आसाम के जिस कोने पे उस कोने में अभी तक बाय गॉड ग्रेस अभी तक उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाया है कोरोना. फिर भी एक दो केसेस है. सो आप लोग सुरक्षित रहे और प्लीज़ मेक श्योर यू शुड सब्सक्राइब. बाय 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 बाय.